हाय गाइस, मैं हूँ रूही चतुर्वेदी और आज मैं ई टाइम्स टीवी के साथ दिए कला करने वाली हूँ। दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तैयारियां करने वाली हूँ और आपसे खूब सारी बातें करने वाली हूँ। लेट्स गो। रंगोली करने की बहुत कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, यू नो आई कैन डू रंगोलीज, बट आई कुड नेवर डू, मेरे वो हाथों में स्टिलनेस नहीं थी। बट यू नो पेंटिंग क्लासेस होती थी तो आई वॉज वेरी गुड इन पेंटिंग, बट दिस आई एम डूइंग इट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट लुक्स टू मच फन। सी, दिवाली इज ऑल अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। यू नो टीवी की दिवाली बहुत शोशा वाली होती, फैमिली की रियल लाइफ की दिवाली इज ऑल अबाउट लव एंड यू नो गुड फूड विद फैमिली। क्योंकि ज़्यादातर इंडियन हाउस में क्या होता है कि पापा लोग हमेशा बिजी रहते हैं काम करने में, दिवाली ऐसा टाइम रहता है जब सब घर पे रहते हैं, सब मस्ती करते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। क्योंकि दिवाली जयपुर में है, आई विल बी ऑब्वियसली वेयरिंग अ साड़ी एंड यू नो गेटिंग रेडी, बट मेरा पर्सनल फैशन सेंस इज कम्फर्ट। यू नो शादी के बाद तो ऐसे ही कहें तो मेरी तीसरी दिवाली है, बट कोविड के बाद मेरी पहली दिवाली है। सो लेट्स टेक इट कि वो दो दिवाली मैं काउंट नहीं करूँगी। मैं सोचूंगी कि शादी के बाद पहली दिवाली है जहाँ मैं जयपुर जा रही हूँ, जहाँ मैं शिव की पूरी फैमिली से अच्छे से मिलूंगी, मतलब मामा मामी एंड उसकी चाची चाची, और सिटी को जितनी अच्छी तरीके से लोग लिटअप करते हैं वो देखना ज़रूर पसंद करूँगी, बिकॉज दो साल से हो नहीं पा रहा था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू जयपुर। नहीं, निशिव के घर वाले बहुत ही सादे सुधे इंसान हैं, वो लोग तामझाम, मेरे घर वाले मतलब चतुर्वेदीज बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। शिव के घर वाले बहुत ही सादे सुधे इंसान हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन छोटा सा मील। और क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो देयर इज़ टू मच ऑफ पैम्परिंग हैपनिंग कि अरे ये आइए पाँच ही दिन के लिए आइए, तो वो लोग मुझे बना बना के खिलाते, दे डोंट वॉन्ट मी टू वर्क इन द किचन। सो I will see if I can make something, but I think उन्होंने कुछ अच्छा बनाया होगा। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, I beg you, request you, I would do anything to make you not burst crackers, क्योंकि इतना noise pollution, इतना sound pollution, इतना air pollution, इतना वो गंदगी फैलती है, क्यों करना यार? आप basically अगर देखो ना, आप अपने पैसों को आग लगा रहे हो कुछ few seconds के मौज के लिए, ऊपर जाके burst होते lighting, TV पे देख लो यार, मतलब YouTube चालू जो पहले चला वो देख लो, why you want to do it? I request you don't do it यार, animals को इतनी तकलीफ़ होती है, उनका घर है, रोड पे वो रहते हैं, आप किसी के घर में गंदगी कर रहे हो, सो प्लीज़ डोंट डू इट। यार मुझे लगता है नहीं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, सच्ची मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज माई फैमिली कीप्स मी वेरी ग्राउंडेड। मेरी मम्मी अभी भी दो बार नहीं सोचती मुझे किसी के सामने कुछ भी बोलने के लिए, उनको लगता है कि मैं अभी उनकी छोटी सी बच्ची हूँ, यू नो। सो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज कि बचपन में पूरी फैमिली, पापा के भाई लोग, मेरे कजिन्स, हम सब मिलके एक ही घर में दिवाली मनाते थे क्योंकि दादाजी दादी जी हमारे साथ थे। दैट वॉज टू मच फन, आई मिस दैट पार्ट। आई एम नॉट एट ऑल जो मैं शर्लिन दिखती हूँ टीवी पे, मैं रियल लाइफ में वैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ही सिंपल हूँ। हाँ, दिवाली पे साड़ी पहनी जाएगी, बट वो जितना तैयार होती है शर्लिन वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप तैयार होने में इतना टाइम निकाल दोगे वहाँ तो आपके पास मेकअप और हेयर टीम रहती है, और यहाँ पे आपको खुद को करना है। तो आई रादर स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, शिव के मम्मी पापा के साथ, और घर में एक छोटा नया डॉग आया है उसके साथ, आई रादर डू दैट देन गेटिंग रेडी। सो इट्स गोइंग टू बी सिंपल साड़ी, लाइक अ वेरी इंडियन नाइस अटायर। सोशल मीडिया पे शाहरुख खान साहब भी तो हैं, वो थोड़ी रोज़ आके फैंस को मिलते रहते हैं, बट ही इज़ द बिगेस्ट स्टार। बच्चन साहब हैं, वो थोड़ी हर दिन कुछ ना कुछ ट्वीट ज़रूर करते हैं, बट इंस्टाग्राम पर इतना नहीं करते। सो सबकी अपनी अपनी चॉइस और ऑप्शन रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं जब भी कुछ डालूंगी, मैं काफ़ी कम डालती हूँ, बट जब भी डालूंगी माई फैंस वुड लव इट। ओवर फ्लो करके या ओवर चीज़ें ज़्यादा डाल के किसी का कुछ भला नहीं होना है। हैप्पी दिवाली, गो आउट, हैव फन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, डोंट बी ऑन योर फोन, डोंट कीप जस्ट क्लिकिंग पिक्चर्स के अपने सोशल मीडिया पर डालने के लिए, खींचो डालो उसे नानी बोल रहे, बट ज़्यादा मत करो, यू नो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम इन आर लाइफ, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस व्हेन।
सो द टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, स्पेंड विद योर फैमिली एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली।